We'll solve 11th problem now. A ball of mass m is dropped onto a floor from certain height. The collision is perfectly elastic. The ball rebounds to the same height. Again, find the average force exerted by the ball on the floor during the long time interval. देखिए, एक बॉल किसी हाइट h से गिराई गई, गिरती है, फ्लोर से टकराती है, और फ्लोर से टकरा के रिबाउंड होके फिर वापस से यहीं तक आती है. लॉन्ग टाइम इंटरवल में फ्लोर पर एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द फ्लोर ड्यूरिंग द लॉन्ग टाइम इंटरवल. लॉन्ग टाइम इंटरवल मैं कहता हूं, इफ आई कैन एवरेज इट आउट ओवर दिस टाइम, बॉल नीचे गिरी और फिर ऊपर गई, इसके बाद इनफाइनाइट टाइम तक यह फिनोमेना चलता रहेगा. मगर मैंने यदि इस समय से लेकर इस समय तक एवरेज फोर्स निकाल दिया, देन दैट वुड बी द एवरेज फॉर लॉन्ग टाइम इंटरवल, क्योंकि इसके बाद पूरी की पूरी मोशन पीरियोडिक है. अब जरा सोचिए, यह बॉल इधर से गिराने पर जब नीचे फ्लोर से टकराएगी, तो सबसे पहले तो टकराने में टाइम निकाल लें और टकराते समय वेलोसिटी निकाल लें. ऊपर से नीचे तक टकराने में कितना, ऊपर से नीचे तक आने में कितना समय लगा और किस वेलोसिटी से टकरा रही है. वेलोसिटी निकालने के लिए दो कंसेप्ट है, या तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा दे या फिर काइनेमेटिक्स की इक्वेशन लगा दे. वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, या इक्वेशन लगा देंगे तो हम कहेंगे फाइनल वेलोसिटी इज वी स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, टू एक्सीलरेशन इज जी, हाइट इज एच, या फिर एनर्जी कंजर्वेशन लगा दें कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी. हम चाहे तो एनर्जी कंजर्वेशन से भी लिख सकते हैं, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज mgh और टकराते समय फाइनली काइनेटिक एनर्जी इज mv स्क्वायर. चाहे इससे लिखे चाहे इससे लिखे, आंसर सेम आएगा. वेलोसिटी टकराते समय इनिशियल वेलोसिटी इज अंडर रूट टू जी एच. टकराते समय यह वेलोसिटी होगी. फाइनल वेलोसिटी टकराने के बाद इलास्टिक कोलिजन यदि होता है तो जिस वेलोसिटी से टकराएगी उसी वेलोसिटी से रिबाउंड होगी. इट्स माइनस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, इट्स माइनस ऑफ अंडर रूट टू जी एच. इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल इज मास ऑफ बॉल इंटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल, दैट इज मास इंटू अंडर रूट टू gh. Final momentum into mass into vf is equal to minus m under root of 2gh. There is initial momentum of ball टकराने से ठीक पहले, there is final momentum of ball टकराने के ठीक बाद. अब हम कहते हैं change in momentum of ball, change in momentum of ball during collision is फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. फाइनल मोमेंटम में माइनस एम अंडर रूट टू जी एच, इनिशियल मोमेंटम में प्लस एम अंडर रूट टू जी एच. दिस चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल इट्स इक्वल टू माइनस टू टाइम्स एम अंडर रूट टू जी एच. This change in momentum of ball.
हम कहते हैं लेट्स टेक फ्लोर एंड बॉल एज अ सिंगल सिस्टम. यदि हम फ्लोर और बॉल को सिंगल सिस्टम मान ले तो इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, और यदि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो ओवरऑल इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व्ड रहना चाहिए, मोमेंटम कांस्टेंट रहना चाहिए. चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल प्लस चेंज इन मोमेंटम ऑफ फ्लोर मस्ट बी जीरो. चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल प्लस चेंज इन मोमेंटम ऑफ फ्लोर मस्ट बी जीरो, विच इंप्लाइज दैट चेंज इन मोमेंटम ऑफ फ्लोर मस्ट बी माइनस ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल. इट मस्ट बी टू टाइम्स एम अंडर रूट टू जी एच. दिस मस्ट बी द चेंज इन मोमेंटम ऑफ फ्लोर. बॉल के एक बार टकराने से फ्लोर का इतना मोमेंटम चेंज हुआ है, बॉल के एक बार टकराने से फ्लोर का इतना मोमेंटम चेंज हुआ है. अब बॉल को एक बार टकराने में समय कितना लगा है, इस एक कोलिजन में टाइम कितना है वह हम निकाल लें. जो टाइम है ऊपर से नीचे तक गिरना और नीचे से ऊपर तक जाना, यह टोटल टाइम कहा जाएगा. डेल्टा टी इज टाइम ऑफ फॉल प्लस द टाइम ऑफ राइज. इसके लिए मैं एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा रहा हूं. एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर. गिरने में जितना समय लगेगा ऊपर जाने में भी उतना समय लगेगा. एस की जगह मैं एच लिख देता हूं, यू की जगह जीरो, टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. तो टू एच बाय जी, गिरने में टू एच बाय जी अंडर रूट और ऊपर जाने में भी टू एच बाय जी अंडर रूट. इतना टोटल टाइम लगेगा, टोटल टाइम उसको लगेगा टू टाइम्स अंडर रूट टू एच बाय जी एक कोलिजन. एक कोलिजन में कुल मिला के इतना समय लगना है और एक कोलिजन में इतना मोमेंटम चेंज होना है. अब फोर्स क्या होता है, फोर्स ऑन फ्लोर इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ फ्लोर अपॉन टाइम टेकन. चेंज इन मोमेंटम हमने लिख दिया है 2m अंडर रूट 2gh. टाइम हमने निकाल लिया है 2 टाइम्स अंडर रूट 2 h बाय g. इट कम्स आउट टू बी mg. बॉल फ्लोर पर जो फोर्स लगाएगी दैट वुड बी इक्वल टू एम जी एवरेज फोर्स. और लगना भी चाहिए भाई, फ्लोर मतलब अर्थ, अर्थ बॉल के ऊपर एम जी फोर्स लगा रही है कॉन्स्टेंटली. तो टू एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बॉल भी अर्थ पर एमजी का ही फोर्स लगाएगी. वही चीज इधर भी सॉल्व हो क्या रही है, टकराने पर भी ऐसी होगा. नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग सर्टेन प्रॉब्लम. A gun is mounted on railroad car. The mass of car gun shell operator 50 m, where m is the mass of one shell, muzzle velocity is 200 by the recoil speed of car after the second shot. देखिए, this is some railroad car. इसके ऊपर एक gun mounted है और यह shell fire करती है mass m की, और इसका mass है 50 m. पहला शेल फायर करा, पहला शेल फायर करने पर इनिशियल मोमेंटम जीरो, पहला शेल फायर करने के बाद भी मोमेंटम जीरो होना चाहिए. मास ऑफ शेल इज एमयू, एम
Velocity of shell is u. Plus 50m minus m into v1. So v1 is minus u by 49. मतलब पहला शेल फायर करने के बाद काट पीछे की तरफ जाने लगेगी. अब उन्हें कहा है मजल वेलोसिटी, u इज मजल वेलोसिटी. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मजल वेलोसिटी? मजल वेलोसिटी मींस जिस वेलोसिटी से शेल इस मजल से बाहर आ रहा है. मजल वेलोसिटी मींस वेलोसिटी ऑफ शेल विथ रेस्पेक्ट टू गन. पहला शेल फेंकते समय गन रेस्ट पर थी, इसलिए जो मजल वेलोसिटी थी वही ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी थी. मगर दूसरा शेल फायर करते समय गन रेस्ट पर नहीं है. अब जो मजल वेलोसिटी होगी वह ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी नहीं होगी, वह रिलेटिव वेलोसिटी होगी. हमें ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी. डेफिनेशन रिकॉल कर लें, रिलेटिव वेलोसिटी इज velocity with respect to ground minus velocity of reference. So velocity with respect to ground is relative velocity plus velocity of reference. So shell ki velocity ground ke respect mein jo hogi wah relative velocity to u hai, aur velocity of gun jo reference hai uski velocity hai minus u by 49. यह दूसरे शेल की वेलोसिटी है. अब वंस अगेन मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दूं. अब सिस्टम का इनिशियली मास है 49m, वेलोसिटी है v1, इनिशियल मास 49m, वेलोसिटी v1, 49m इंटू माइनस u बाय 49 और माइनस एम यू. यह इनिशियल मोमेंटम है. दिस मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. फाइनल मोमेंटम में क्या लिखूं? शेल का मास एम, शेल की वेलोसिटी यू माइनस यू बाय 49. शेल का मास एम और शेल की यह वेलोसिटी प्लस मास ऑफ गन इज 49m माइनस m इंटू v2. सॉल्व इट. माइनस एम यू इधर में ओपन कर देता हूं. एम यू माइनस और इधर मैं लिख देता हूं 48 बाय 49. 48 बाय 49 mu प्लस 48 m इंटू v2. थ्रू आउट n कैंसल्ड. इसे इधर करेक्ट कर लेता हूं. माइनस 1 माइनस 48 बाय 49 इंटू यू इक्वल टू 48 v2. 48 से डिवाइड कर देता हूं. माइनस ऑफ 1 बाय 48 प्लस 1 बाय 49 इंटू यू is equal to v2. This is the answer. Properly rearrange karna hai, properly solve karna hai. Ye sari baatein class mein already samjhai hui hai.
car of mass m is a frictionless rail when men of mass m starts moving, इसका मास कैपिटल M है, men of mass M starts moving toward the engine with speed V, moving on the car toward the engine with speed V. If the car recoils with speed V, backward on the rail. No, V is the recoil velocity of this. If it starts recoiling with velocity V, what is the velocity of man approaching the engine? अब देखिए उन्हें क्या दिया हुआ है और क्या पूछा है ये समझना। Problem उल्टा बना दिया है। उन्हें कहा है this is a railroad car on a frictionless rail. इसका मास कैपिटल M है, इसके ऊपर मैन खड़ा हुआ है स्मॉल M मास का. Now this man starts moving toward the engine. और जब यह मैन इंजन की तरफ प्रोसीड करता है, जब इंजन की तरफ आगे बढ़ता है, तो यह जो रेल रोड कार्ट है, यह बैकवर्ड डायरेक्शन में V वेलोसिटी से मूव करने लगती है. इसकी रिकॉइल वेलोसिटी भी होती है. इस बार रिकॉइल वेलोसिटी दी हुई है. और पूछा क्या है? With what velocity men approaching the engine? किस velocity से men engine को approach कर रहा है? मतलब हमसे पूछा गया है what is the relative velocity of men? हमसे relative velocity पूछी गई है of men और recoil velocity दे दी गई है. This is recoil velocity. This recoil velocity is V and this is given. अब देखिए once again concept same है. Momentum must be conserved. Initial momentum is zero. Final momentum must remain zero. मगर उस momentum को conserve करने के लिए हमें man की जो relative velocity है उसको ground के respect में convert कर लेना चाहिए. Velocity with respect to ground is relative velocity plus velocity of reference. So velocity of men with respect to ground, velocity of men with respect to ground is relative velocity plus velocity of reference. Reference की velocity क्या है? Cart की velocity, जो कि है minus v. This is the velocity of men. इनिशियल मोमेंटम जीरो है, फाइनल मोमेंटम भी जीरो रहेगा. फाइनल मोमेंटम में मास ऑफ मैन इनटू वेलोसिटी ऑफ मैन, रिलेटिव वेलोसिटी माइनस वी प्लस मास ऑफ रेलरोड कार्ट इनटू वेलोसिटी ऑफ कार्ट माइनस. तो जीरो इज इक्वल टू एम इनटू V relative minus MV minus capital MV. V relative is equal to M plus capital M into V by small m. This must be the relative velocity of man. कोई सी भी step नहीं समझ में आए तो पूछ लेना. Figure show a small block of mass M. इस तरह का कोई सेटअप दे रखा है. Small block of mass M, which is started with velocity V. इसको V velocity से start कर दिया. On a horizontal part of a bigger block of mass capital M. On a horizontal floor, the curved path
of the surface shown as semicircular, all surfaces are frictionless. Find the speed of bigger block when a smaller block reaches point A. अब देखिए, साधारण सा कंसेप्ट है, सिर्फ सिचुएशन को देखना है, वर्बल प्रॉब्लम ज्यादा है. यह फ्रिक्शनलेस सरफेस है. फ्रिक्शनलेस सरफेस होने से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यदि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व्ड रहना चाहिए. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज नहीं होगा. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में छोटे मास की वेलोसिटी वी है, एमवी, और बड़े मास की वेलोसिटी जीरो है. दिस इज इनिशियल मोमेंटम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. यह हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम है. अब उन्हें पूछा है कि जब यह ब्लॉक इस जगह पर आ जाएगा पॉइंट ए पर, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी. जब यह ब्लॉक पॉइंट ए पर आ जाएगा तो पूरा का पूरा सिस्टम आगे की तरफ मूव करने लगेगा. यह पॉइंट ए पर आ गया और इस समय पर जो भी कुछ वेलोसिटी वी डैश छोटे पार्टिकल की होगी, वही वेलोसिटी बड़े पार्टिकल की भी वी डैश ही होगी. दोनों की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वी डैश होगी, सेम होगी. वर्टिकल डायरेक्शन में कुछ भी वेलोसिटी हो सकती है इस पार्टिकल की, मगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दोनों की वेलोसिटी वी डैश ही होगी. तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो मोमेंटम होगा दैट वुड बी एम इंटू वी डैश प्लस कैपिटल एम इंटू वी डैश. दिस इज इन विल से मोमेंटम कंजर्वेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. मोमेंटम कंजर्वेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. इस समय पर इसकी कुछ वर्टिकल डायरेक्शन में भी कुछ वेलोसिटी हो सकती है, मगर उस वर्टिकल डायरेक्शन में जो भी कुछ वेलोसिटी है उसकी वजह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई मोमेंटम नहीं बनेगा. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वी डैश की वजह से होगा, और जो भी कुछ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वेलोसिटी वही इसकी वेलोसिटी वी डैश. सो वी डैश वुड बी एम वी बाय स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम. हाँ, दोनों के भाई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ये वर्टिकल पार्ट है ना, ये वर्टिकल पॉइंट ए पर बिल्कुल वर्टिकल एलिमेंट बन रहा है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दोनों की वेलोसिटी सेम होनी पड़ेगी. ज्यादा कम कैसे हो सकती है, ज्यादा हो गई तो इसको तोड़ देगा, कम हो गई तो इससे पीछे रह जाएगा. ब्लॉक तो इसके इससे चुपक के चल रहा है, तो इससे चुपक के चलेगा तो दोनों की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वेलोसिटी सेम होगी कि नहीं. अब नाइन्थ, टू फैट एस्ट्रोनॉट ऑफ मास 120 केजी आर ट्रेवलिंग इन अ क्लोज्ड स्पेसशिप मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर सेकेंड इन द आउटर स्पेस फार रिमूव्ड फ्रॉम ऑल मटेरियल ऑब्जेक्ट. द टोटल मास ऑफ स्पेसशिप एंड इट्स कंटेंट इंक्लूडिंग द एस्ट्रोनॉट इज 660 केजी. If the astronaut do slimming exercise and thereby reduce their mass to 90 kg, what is the velocity, with what velocity will spaceship move? अब देखिए, कोई solve नहीं करना है, कोई calculation नहीं है, साधारण सा logic लगाना है और जवाब दे देना. Spaceship is far away in space. स्पेसशिप किसी भी प्लैनेट, किसी भी स्टार, किसी भी सैटेलाइट की ग्रेविटेशनल फील्ड में नहीं है, स्पेस में बहुत दूरी पर है. और उस स्पेसशिप का कुछ भी मास हो 660 केजी, उसके अंदर दो मोटे एस्ट्रोनॉट है 120 किलो के, वो दोनों मोटे एस्ट्रोनॉट 120 किलो के, उनने सोचा कि हम थोड़े पतले होते हैं और पतले होने के लिए वहीं पर उनने एक्सरसाइज करना चालू करी.
टू एक्सरसाइज करी और एक्सरसाइज करके उनने अपना वजन 120 किलो से कम करके 90 किलो कर लिया। तो अब बताइए स्पेसशिप की नई वेलोसिटी क्या होगी। हम कहते हैं एस्ट्रोनॉट ने वजन कम करा, मगर कहां करा? अरे जिस भी तरह से उनने अपना मास बाहर निकाला होगा, किसी भी फॉर्म में किसी भी रूप में निकाला, तो उस स्पेसशिप में होगा, उस स्पेसशिप के बाहर तो नहीं फेंक दिया। इट्स अ क्लोज्ड सिस्टम। उस स्पेसशिप का एस्ट्रोनॉट का मास भले ही कम हो गया, मगर जो कम हुआ मास था वह स्पेसशिप में ही रहेगा। स्पेसशिप का टोटल मास 660 केजी ही रहेगा। स्पेसशिप का टोटल मास न बढ़ेगा न कम होगा। और चूंकि स्पेसशिप के मास में कोई फर्क नहीं आया, इसलिए स्पेसशिप की वेलोसिटी में भी कोई फर्क नहीं आएगा। उन दोनों एस्ट्रोनॉट का वजन कम हो जाने के बावजूद भी वेलोसिटी ऑफ स्पेसशिप तो 15 किलोमीटर पर सेकेंड ही रहेगी, जो इनिशियली थी वही हमेशा रहेगी, क्योंकि एस्ट्रोनॉट के वजन कम कर लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्पेसशिप का वजन टोटल तो उतना का उतना ही है, मास कहीं बाहर नहीं निकला है, इसलिए वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी। नाउ व्हाट टेंथ प्रॉब्लम एग्जैक्टली इस तरह का सवाल मैं बता चुका हूं। मैंने क्लास में बताया था कि पर्सन शेल फेंक रहा है, इस केस में पर्सन स्वयं ही कूद रहा है, मगर बात तो वैसी की वैसी ही है। टू पर्सन ईच ऑफ मास एम आर स्टैंडिंग ऑन टू एक्सट्रीम ऑफ रेल रोड का यह मास एम, यह मास एम, यह मास कैपिटल है, रेस्टिंग ऑन स्मूथ ट्रैक। द पर्सन ऑन लेफ्ट जंप टू लेफ्ट विथ हॉरिजॉन्टल स्पीड यू विथ रेस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ कार्ड बिफोर देम, देयर आफ्टर द पर्सन ऑन द राइट जंप विथ रेस्पेक्ट। ये एग्जैक्टली वैसे का वैसे सवाल है, तेजी से कर देता हूं, समझाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। इनिशियली पहले पर्सन के जंप करने से पहले मोमेंटम जीरो, फाइनल मोमेंटम भी जीरो होना चाहिए। फाइनल मोमेंटम में कहूंगा मेन का मास और मेन की वेलोसिटी यू रहेगी, प्लस रिमेनिंग सिस्टम का कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू वी वन। पहले पर्सन के जंप करने के बाद वेलोसिटी होगी दिस। अब दूसरा पर्सन जंप कर रहा है, तो दूसरे पर्सन की जंप करने से पहले मैं वेलोसिटी निकाल लूं। कैसे? वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज रिलेटिव वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी ऑफ रेफरेंस। सो वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज रिलेटिव वेलोसिटी लिखता हूं माइनस यू, और रेफरेंस की वेलोसिटी है माइनस एम यू प्लस एम प्लस एम। ये ग्राउंड के एस्पेक्ट में वेलोसिटी हुई, तो इनिशियल मोमेंटम है एम प्लस एम इंटू वी वन और एम प्लस एम इंटू माइनस एम यू बाय एम प्लस एम और माइनस एम यू। यह इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम भी सेम रहेगा। फाइनल मोमेंटम में मास ऑफ मैन इंटू वेलोसिटी ऑफ मैन, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन प्लस मास ऑफ कार्ट इंटू वेलोसिटी ऑफ कार्ट। सॉल्व इट, माइनस एम यू माइनस एम यू माइनस एम स्क्वायर यू बाय एम प्लस एम प्लस एम इंटू वी टू। तो यह चीज कैंसल्ड और इधर आकर एम स्क्वायर बाय एम प्लस एम इंटू एम वी टू, और वी टू इज एम स्क्वायर यू बाय एम प्लस एम इंटू कैपिटल एम। दिस इज
एग्जैक्टली इस तरह का प्रॉब्लम क्लास में कराया हुआ है. आई बिलीव बहुत ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है. अब सेवेंथ प्रॉब्लम, लाइट इन सर्टन केसेस में भी कंसिडर्ड एज अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल कॉल्ड फोटॉन्स. Light in certain cases may be considered as stream of particles called photon. Each photon has a linear momentum h by lambda. Momentum of h by lambda. Where h is Planck's constant, lambda is wavelength of light. The beam of light of wavelength lambda incident on plane mirror at an angle of incident theta. Calculate change in linear momentum of photon as the beam is affected by the mirror. देखिए, यह mirror है और इस मिरर से एक फोटॉन टकराता है, थीटा एंगल से टकराता है और थीटा एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाता है. अब जो मोमेंटम है एच बाय लैम्डा, उसको हम दो कंपोनेंट पर रिजॉल्व कर सकते हैं. यह एंगल थीटा है तो यह कंपोनेंट होएगा h बाय लैम्डा कॉस थीटा और यह कंपोनेंट होएगा h बाय लैम्डा साइन थीटा. तो इनिशियल मोमेंटम मैं बोल सकता हूं h बाय लैम्डा कॉस थीटा इंटू आई कैप प्लस एच बाय लैम्डा साइन थीटा. नीचे की तरफ है इसलिए माइनस जे कैप एच बाय माइनस एच बाय लैम्डा साइन थीटा इंटू जे कैप. टकराने के बाद फाइनल मोमेंटम इस डायरेक्शन में जो है इसको भी मैं रिजॉल्व कर सकता हूं. यह फाइनल मोमेंटम, यह एंगल थीटा, यह इनिशियल मोमेंटम है. इनिशियल यह डायरेक्शन, फाइनली यह डायरेक्शन. फाइनल मोमेंटम देख लीजिए, इस डायरेक्शन में एच बाय लैम्डा कॉस थीटा और इस डायरेक्शन में एच बाय लैम्डा साइन थीटा. तो फाइनल मोमेंटम हो जाएगा माइनस ऑफ एच बाय लैम्डा कॉस थीटा इंटू आई कैप प्लस माइनस ऑफ एच बाय लैम्डा साइन थीटा इंटू जे कैप. यह नेगेटिव डायरेक्शन हो गया, ये भी नेगेटिव डायरेक्शन, यह पॉजिटिव डायरेक्शन या नेगेटिव डायरेक्शन, उसी हिसाब से कंपोनेंट लिख दिए. अब चेंज इन मोमेंटम इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. चेंज इन मोमेंटम इज फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो जे कैप की टर्म कैंसिल हो जाएगी और आई कैप की टर्म हो जाएगी माइनस टू एच बाय लैम्डा कॉस थीटा. फिजिकली भी देख सकते हैं कि वाई एक्सिस के अलावा मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आया, इनिशियल और फाइनल सेम रहा. एक्स एक्सिस के अलावा इनिशियली इस डायरेक्शन में है, फाइनली उल्टी डायरेक्शन में हो गया. तो एक्स एक्सिस के अलावा मोमेंटम का डायरेक्शन चेंज हुआ है. सेकेंड, थर्ड शीट का डिस्कशन भी आज फिनिश हो गया है. मैं नेक्स्ट लेक्चर में फोर्थ शीट डिस्कस करवाऊंगा और उसके बाद फिफ्थ. कुल मिला के सात शीट मैं दूंगा,
छह शीट आपको दे चुका हूं, सातवीं शीट भी आज मिल जाएगी, और यह सातों शीट करने के बाद हां सेवंथ शीट दे दीजिए आप इसी समय, यह सातों शीट करने के बाद मोमेंटम चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। यूरेनियम 238 न्यूक्लियस इनिशियली एट रेस्ट, यूरेनियम 238 न्यूक्लियस इनिशियली एट रेस्ट एमिट सल्फर पार्टिकल विद दिस स्पीड, कैलकुलेट द रिकॉल स्पीड। यूरेनियम एक तो थोरियम देता है 234 और एक अल्फा 4, तो थोरियम और अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल की स्पीड v1, थोरियम की स्पीड v2, इनिशियल मोमेंटम 0, अल्फा पार्टिकल का मास 4, वेलोसिटी v1, थोरियम का मास 234, वेलोसिटी v2, दिस इज द फाइनल मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड थोरियम, सो फाइनल v2 इज 4/234 ऑफ v1, सो वेलोसिटी ऑफ थोरियम इज 4/234, v1 की जगह पर मिल जाएगा 1.4 into 10 to the power 7 meters per second।